दोस्तों अभी हाल ही में राहुल गांधी के ऊपर एक डेफिमेशन केस लगाया गया, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा में सदस्यता को समाप्त कर दिया गया और सूरत की कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा भी सुनाई गई। तो क्या होता है ये डेफिमेशन केस और क्या है राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए इस केस की पूरी सच्चाई, आइए आज की इस वीडियो में डिटेल्स में समझते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक यादव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीपल टीवी पर। Rahul Gandhi, where in the defamation case he's now been convicted. What we are getting to know in the Manhani case, mein Rahul Gandhi doshi karar gaya hai. Malika Arjun Kharge ki taraf se booking bata rahi thi ki wahan par Rahul Gandhi maujood the jab saza ka elan hua. Reading with Section 8 of the Representatives of People Act 1951. Big, big development coming in. Pauli Saha joining us with them. Pauli, Rahul Gandhi has been disqualified. Precisely the fear that the Congress had may. सबसे पहले समझते हैं कि डेफिमेशन केस क्या होते हैं। दोस्तों वैसे तो डेफिमेशन वर्ड का मतलब है मनहानी, लेकिन इसकी परिभाषा हमें आईपीसी की धारा 500 और 499 में मिलती है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति, व्यापार, समूह, समुदाय, धर्म या फिर राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले असत्य कथन को मनहानि कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन दी जाती है जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बोलकर, पढ़कर, इशारों या तस्वीरों के जरिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर लांछन लगाता है तो इसे डेफिमेशन कहा जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनके ऊपर डेफिमेशन केस लगाया गया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा कि सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी, और अभी और ढूंढेंगे तो और मोदी निकल जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने सारे मोदी को चोर नहीं कहा, बल्कि ऐसा कहा कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं, और अगर अभी ढूंढा जाए तो और मोदी सरनेम वाले चोर मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डेफिमेशन केस राहुल गांधी के ऊपर किया किसने? क्या नीरव मोदी ने किया? नहीं, नीरव मोदी ने ये केस नहीं किया। क्या ललित मोदी ने ये केस किया? नहीं, ललित मोदी ने भी ये केस नहीं किया। तो फिर नरेंद्र मोदी ने तो पक्का किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इस केस को नरेंद्र मोदी जी भी नहीं किया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जितने मोदी का नाम लिया गया है इसमें से किसी ने भी ये केस फाइल नहीं किया। तो फिर आखिर ये केस किया किसने? दरअसल दोस्तों ये केस किया है पश्चिम सूरत के एक विधायक पुडेश मोदी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, जबकि इनका नाम भी यहाँ पर नहीं लिया गया है। इनका कहना है कि राहुल गांधी ने हमारे मोदी समाज को चोर कहा है और चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से हमारी और हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैंने इनका नाम नहीं लिया, शायद इसीलिए ये नाराज हो गए। लेकिन बाद में फिर राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मंशा गलत नहीं थी। और फिर 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपील दर्ज की और कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और निचली अदालत में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। राहुल गांधी की इस अर्जी के बाद सूरत कोर्ट का आदेश आया है और इस आदेश में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है और अगली सुनवाई तक उन्हें जमानत भी दे दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि जब अगली बार सुनवाई होगी तो यहाँ पर उनको मौजूद रहना जरूरी है। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।